अस्सलाम वालेकुम केम छो सत श्री अकाल केरो हाल है कसका नमस्ते केम होना छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15 वीकेंड का वार का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो उमर रिया सीक्रेट रूम में है। ये गलत फहमी आप लोगों को, नहीं मेरा भाई उमर रिया सीक्रेट रूम में नहीं है, वो बाहर आ चुका है। कल आपके सामने उसका एविक्शन होगा एंड आज ही सलमान खान ने ये बात क्लियर कर दी जो मैंने आपको पिछले ऑलमोस्ट 3-4 दिन से कहा था कि उमर रियाज की किस्मत का फैसला जो है वो मैं नहीं लूंगा, वो मेकर्स नहीं लेंगे, वो लेंगे सिर्फ और सिर्फ जनता। तो जनता डिसाइड करेगी कि क्या उमर आउट होगा या नहीं आउट होगा। एंड वो कल हम एपिसोड में बताएंगे क्या तुमने इस घर में आकर इज्जत यहाँ पर कमाई है या इज्जत गवाई है। तो कल सलमान में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन व्हाट सलमान खान डिड टू अभिजीत बिचुकले वॉज ब्रूटल, वॉज मैसिव, एब्सोल्युटली इनसेन। मैंने कभी भी सलमान भाई का ये रूप नहीं देखा। लास्ट टाइम आई थिंक पारस आबरागड़ा टक्कू छाबड़ा के टाइम में सलमान भाई ने गालियां दे दी थी, लेकिन आज जो गालियां बिचुकले को दी है मुझे पता नहीं कलर्स ने क्यों रखा, लेकिन शायद बिचुकले ने ऐसी कुछ हरकत कर दी होगी जिसके कारण वह सलमान खान ने अपना आपा जो है वो उसको कम्प्लीटली पूर्ण तरीके से यहाँ पर जस्ट लॉस्ट इट। हाँ, वो बिचुकले को बुलाया, उन्होंने बिचुकले को बोला बिचुकले तू चुपचाप वो बातें सुनेगा जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू बीच में नहीं बोलेगा, समझ में आया? तू ये सारी चीजें सिविलाइज सोसाइटी में बोल सकता है क्या जाकर? अपने बीवी बच्चों के सामने बोल सकता है जाकर? हाँ, नहीं बोल सकता ना। यहाँ पर तूने जो गालियां दी है, तो अपेरेंटली बिचुकले ने कुछ गालियां दी है जो यहाँ पर वो क्लिप मेकर्स ने नहीं दिखाया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तेरे परिवार को इसी तरह से कोई दूसरा आदमी गाली देगा तो चलेगा तेरे को, हम वो क्लिप प्ले भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार तूने इसी तरह हरकतें की यहाँ पर मैं घर के अंदर आऊंगा मिड वीक, तेरा बाल पकड़ के ले जाऊंगा, समझ में आ गया? तू पीएम बनेगा। हाँ, आई वाज शॉक्ड। 2 मिनट के लगा मैंने पीछे वापस रिवाइंड किया वुड पे, वाज लाइक डूड डिड ही सलमान भाई रियली अब्यूज्ड एंड ही गेव इट, ही गेव बीसी टू बिचुकले। सलमान खान ने कहा कि अरे अगली बार तुझे बाल पकड़ के ले जाऊंगा एंड तू बनेगा। तो बिचुकले बोलता है मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या इसके बीच में? सलमान खान बोला अबे तू अगर बोलेगा ना बीच में तो तेरे को घर में आके मारूंगा मैं। आई वाज लाइक डूड, सलमान खान गेटिंग सो एंग्री इज एब्सोल्युटली इनसेन। बिचुकले उठ जाता है, अंदर चले जाता है। सलमान खान बोलता है ये क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिमसेल्फ? हाँ, फिर सलमान खान कहते हैं कि उमर तुम्हारा फैसला मैं नहीं, जो जनता है वो करेगी, मैंने तुमको अंडरस्टैंड करवा दिया, दर्शक का फैसला है। बिचुकले बोलता है घर का दरवाजा खोलो, ऐसे शो पे मैं तुम्हारा भी नहीं जाना है मेरे को यहाँ पर। हाँ, तो ये यहाँ पर बिचुकले के साथ जो हुआ गए वो कम्प्लीटली ब्रूटल लगा, कम्प्लीटली मैसिव लगा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। जिस तरह से यहाँ पर निया शर्मा आई, जो भी महिला का नाम है, कितनी बार आ चुकी है मैं खुद भूल गया हूँ। आज कुछ तो सिगरेट वाला कोई गाना था, उसको वो प्रमोट करने के लिए यहाँ पर वो आई थी अंदर। एंड गाइस यहाँ पे उनको सबको सड़े हुए फ्रूट जो है वो सेलेक्ट करना था, एक एक करके कंटेस्टेंट यहाँ पर आते हैं। स्टार्ट में बिचुकले डांस करके गई, बिचुकले डांस कर रहा था वो निया शर्मा के गाने पर। तब निया शर्मा क्या बोलती है बिचुकले को पता है? वहां बिचुकले जी आपने डांस किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड जब सलमान भाई के साथ स्टेज पे जाती है तब बोलती है अच्छा हुआ सलमान भाई आपने बिचुकले को वो सारी चीजें कही, बहुत अच्छा हुआ। अरे महिला ऐसी हरकतें कहां से सीखी आपने करने के लिए? है तो स्टार्टिंग स्टार्ट होता है, निशान कहता है सड़ा हुआ फल इस घर का बिचुकले है, राखी सावंत है। शम्मू यहाँ पे तेजा को सड़ा हुआ फल देती है क्योंकि वो फेक है। प्रतीक यहाँ पर देवलीना को सड़ा हुआ फल देता है, पता नहीं क्या सोच के उसने दिया देवलीना को, एंड देवलीना का बहुत गंदा परिणाम हुआ, देवलीना रोना शुरू कर देती है। राखी कहती है निशांत सड़ा हुआ फल है, बिचुकले सड़ा हुआ फल है। तेजा बिचुकले को देती है क्योंकि उसने कुछ केले के बारे में कुछ उपशब्द कहे थे। कुंद्रा राखी को देता सड़ा हुआ फल। मोमो राखी और शमिता को सड़ा हुआ फल देती है एंड बिचुकले कहता है कि सड़ा हुआ फल मैं तेजा को देना चाहता हूँ, अगर कुंद्रा नहीं होता तो अब तक वो दूसरी लड़कियों की तरह इस गेम जो है उससे आउट हो जाता। हाँ, यहाँ पर देवोलीना आती है, देवोलीना जो सड़ा हुआ फल है वो बिचुकले को देती है। बिचुकले कहता है उसने बोलती है कि मेरे माँ के बारे में उसने ये बोला वो बोला। बिचुकले कहता है मैं है ना यहाँ पर माँ को माता मानता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ पर। एंड निया शर्मा कहती है हम जो घर में आए थे रोटन फ्रूट करने का, अरे कितनी अच्छी शक्ल और कैसा एक्सेंट है भाई। हाँ, और देवोलीना आप तो इंग्लिश बोलिए ही मत, रन दीजिए आपकी। हाँ, वो बोल के वो यहाँ से चले जाती है। अब गाइस यहाँ पर देवोलीना ऑब्वियसली तेजू को भी बुलाती है,
देवलीना यहाँ कहती है कि तेजू इस घर की सड़ी हुई फल है, क्योंकि गाइस जब से वीआईपी बनी है बहुत एक्ट स्मार्ट कर रही है। हाँ, एंड मोमो से भी बात करना शुरू कर देती है। मोमो कहती है हाँ, जब से तेजू यहाँ पर टिकट टू फिनाले जीती है मेरे से बात करे तो शिफ्ट टू विजिबल है। तेजू एंड उमर के बीच में भी क्लैश हो जाता है। उमर कहता है वाह वाह, मुंह पे तो अच्छी है ये तेजू, लेकिन मुंह पे अच्छे होने के बाद अंदर जाती है, हम लोग को नॉमिनेट करके आ जाती है यहाँ पर, तो सबसे सड़ा हुआ यहाँ पे बिचुकले है। तो अब गाइस घर का मुद्दा आज वीकेंड के वार में क्या था, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तो सलमान भाई आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर करण कुंद्रा की क्लास ली कि उसने यहाँ पर इस गेम में शमिता शेट्टी को क्यों नहीं जिताया, जबकि प्रतीक सहजपाल खासा, प्रतीक सहजपाल ने पानी पिया, हाँ, एंड करण कुंद्रा की फुल बैंड बजा दी। मैं गाइस आज यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 हफ्तों से राखी सावंत यही हरकतें कर रही थी, हर टास्क राखी सावंत रद्द करा रही थी। हाँ, तब तो मेकर्स ने, तब तो क्रिएटिव ने कुछ डिसीजन नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला, तब तक तो राखी सावंत बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज करण कुंद्रा ने ये सब किया, he didn't take a stand. So according to सलमान भाई चाहते थे कि करण कुंद्रा यहाँ पे शमिता शेट्टी को जिताए, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर पूरा तेजू के ऊपर भी खूब सारी भड़ास निकाली गई है, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे तेजू ने क्रिएटिव्स को लेकर एक बयान दे दिया। अब मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि क्रिएटिव जो रहते हैं, तेजू ने कहा था कि क्रिएटिव जो है वो एंगल बनाते हैं यहाँ पे इस शो में, ऐसा तेजू ने बोला था, याद है? राखी सावंत ने आज से 2 दिन पहले एपिसोड में क्या बोला था करण कुंद्रा को, कि देख तेरी गर्लफ्रेंड जो है वो एंडमॉल की फेस है, वो कलर्स की फेस है, हाँ, वो इसको जिता देंगे शो, उसको लेकर कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। राखी की तो फुल बैशिंग होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला। यही बात असीम रियाज ने इतने 2 साल पहले कही थी कि अपने मीनू चाय शाय पिलाओ कैमरामैन को, तो उसकी एकदम बैंड बजा दी गई थी, लेकिन राखी सावंत की कोई भी बैंड यहाँ पर बजाई नहीं गई यहाँ पर। हाँ, राखी ने इतना बड़ा एलिगेशन किया, और मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, करण के ऊपर सब ढिगरा फोड़ा गया यहाँ पर, क्या करण अकेला संचालक था इस गेम शो में? राखी सावंत भी थी, उमर रियाज भी था, तो उनको यहाँ पे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं गया यहाँ पर, और टास्क था इमोशंस का। प्रतीक सहज पर बोल रहा है सलमान भाई इमोशन कट, सलमान भाई कुछ सुन ही नहीं रही है, वो बोलते जा रहा है। हाँ, वो क्या इमोशन का टास्क था, रोना नहीं रहना। और एक करण कुंद्रा की अपनी मर्जी है, उसको नहीं किसी के लिए स्टैंड लेना, वो नहीं लेगा स्टैंड। हाँ, आज इतना चिल्लाया गया करण कुंद्रा को कि तू तेजा के लिए कब खेलेगा, तू उसका बॉयफ्रेंड है, ये वो। यही क्रिएटिव्स आज से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, क्या थे वीकेंड के वार पे, करण कुंद्रा एंड तेजू को बोल रहे, तुम लोग तो तुम फेक लग रहे हो यहाँ पर, तुम लोग क्यों साथ में हो, तुम लोग तो बेकार लग रहे हो, एंड आज जाके बोल रहे हो तू गर्लफ्रेंड है तो साथ ले उसका। मतलब आज का वीकेंड का वार इतना कंफ्यूजिंग था कि मैं देखते देखते सोच रहा था क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ अलग ही सीन था। उमर पे डिबेट हो सकती थी, हाँ, जो कि कल होने वाली है, बिचुकले के ऊपर कुछ बोल सकते थे, लेकिन आज कुछ अलग ही यहाँ पर उस पर चले गए यहाँ पर। हाँ, अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात तो कुंद्रा को बोला गया कि तुम यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते हो, हाँ, तुम्हारी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है, हाँ, तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो यहाँ पर। ये तेजू ही थी जो इनका ग्रुप छोड़ के गई थी, करण कुंद्रा तो चाहता था कि वो साथ में खेले, लेकिन ये तेजू, देवो, राखी, ये लोग ग्रुप में गई थी कि नहीं खेलने के लिए। तो आज पूरा का पूरा वीकेंड का वार इसी पे था, तो इसी पे हम लोग सभी लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब गाइस यहाँ पर गेम वो चली जाती है निया शर्मा, उसके बाद यहाँ पे तेजू है जो सब लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर राखी कहती है प्रतीक तुझे यहाँ पर सड़ा हुआ फ्रूट नहीं कहना चाहता देवोलीना को, समझ में आया तेरे को? प्रतीक कहता है देवो अगर तू ऐसे गई तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, सुन मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ यहाँ पर। राखी कहती है नॉनसेंस, तूने देवो को नहीं देना चाहिए था। मोमो एंड तेजा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, तेजा वो लुकिंग लाइक अ गोल्डन मेस, एब्सोल्युटली हॉरेंडस, उसको सिंपैथी कार्ड खिलाकर उसको एक गेम शो जिताया जाएगा, बात याद रखना मेरी। तेजस्विनी प्रकाश इज गोइंग टू विन बिग बॉस सीजन 15 और हम बनेंगे टन 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 टन्ना, मेरे सीजन एक्सटेंड भी होने वाला है यहाँ पर। एंड यही तेजरन की फालतूगिरी हम लोग को और अभी 2-3 हफ्ता देखने को मिलेगा यहाँ पर। करण कहता है कि तेजू, हाँ, तूने क्या बोला वो टास्क में, वो सड़ेले फल टास्क में, कोई भी तेरा घर में दोस्त नहीं है,
हाँ शमिता कहती है तेजू तू अपने तूने किसी को हेल्प भी नहीं किया टास्क में ना, तूने तेजू को हेल्प किया, देवो को हेल्प किया और तूने मोमो को हेल्प किया टास्क में, तू सिंपति ले, पूरा घर से सिंपति ले रही है तेजू, रो रही है, इधर जा रही उधर जा रही बात करने के लिए। हाँ कुंद्रा कहती है देख ये निशान जो है वो तेरे साथ खेल रहा है, तूने बोला कोई भी तेरे साथ नहीं है, तू अकेली पड़ गई है, बड़े इमोशनल है लेकिन है ना तेरे साथ। तेजा कहती है वो इमोशनल भी नहीं है। यहाँ पर सलमान खान आते हैं, सलमान खान ने तेजू को फुल ऑन आड़े हाथ लिया, लेकिन बाद में सलमान भाई उसके सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिए। सलमान भाई ने कहा कि तेजू तू सिंपैथी कार्ड क्यों खेल रहे हैं, यहाँ पर दोस्त बनाने के लिए आए क्या, यहाँ पर 28 साल की हो गई है। तो सब लोग जो लग रहा था कि ये महिला 21-20 साल की कन्या है, ये 28 साल की कन्या है, तो ये बोलना बंद कर दो कि इसका दिमाग नहीं है, बच्ची है ये वो, मैं उनमें से एक पागल हूँ जिसको 20 साल की समझता था। हाँ सलमान खान ने कहा यू आर 28, मैं तुमको एडवाइस करूँ डोंट टेक सिंपति, डोंट टेल मैं लोनली हूँ, मैं अकेली हूँ, दिस बुलशिट, आई कैन सी ऑल दिस बुलशिट, अपनी कमजोरी मत दिखाओ, समझ में आया, जब तुम रोती हो ना तो दुनिया तेरे को रोतली बोलेगी, तेरे पास इतना बड़ा एडवांटेज है। हाँ तेरे पास करण कुंद्रा है यहाँ पर, हाँ शमिता के पास भी एक कुंद्रा है लेकिन वो बाहर है, राज कुंद्रा, समझ में आ गया। सलमान खान कहते देख कुंद्रा आज देख क्या होता है, हंस अच्छे से, हंस सबसे अच्छी अपनी हंसी निकाल दे यहाँ पर। तो कुंद्रा हंसता है, सो मालूम है सलमान खान क्या मूड में आया था, एकदम फुल ऑन। सलमान खान कहते हैं तेजू और शम्मू में क्या क्या सिमिलैरिटी है, बस थोड़ा एज डिफरेंस है, आपको सिमिलैरिटी नजर आती है। हाँ सलमान खान एक नॉनवेज जोक मारते हैं जो मेरे को नहीं बोलना है यहाँ पर, एब्सोल्युटली दोनों खूबसूरत है, दोनों खतरों के खिलाड़ी में जा चुके हैं, दोनों खुद को पसंद करते हैं, दोनों कॉम्पिटेटिव है, हाँ जो वो बोल रहे करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, यहाँ तक बात सही है ना। और दोनों कोटिया निशान के भी दोस्त हैं यहाँ पर, हाँ दोनों करण कुंद्रा के गुड बुक्स में भी है। आपको ज्ञान लेना है करण कुंद्रा तो आप शमिता शेट्टी के पास जाते हो, आपको ज्ञान देना है तो आप तेजू के पास जाते हो। यहाँ पर राखी सर करेक्ट ऑब्जर्वेशन, करण कुंद्रा तुम यहाँ पे तेजू के लिए कब स्टैंड लोगे, तुम अपने दोस्तों के लिए कब स्टैंड लोगे, हाँ तुम बस एक ही आदमी के लिए स्टैंड लेते हो, वो है उमर रियाज। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को, समझ में आया यहाँ तक ना, बस हो गया, मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ, सलमान भाई का नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ पॉइंट क्या है ये कि ये फिनाले टास्क था यहाँ पर, ये कोई मामूली चुट्टू पुट्टू टास्क नहीं था यहाँ पर। कुंद्रा यहाँ पे तुमने शमिता को क्यों नहीं जिताया, तुमने टास्क ही रद्द कर दिया। तो यहाँ पे मेकर्स चाहते थे कि करण कुंद्रा भाई साहब शम्मू आंटी को जो कि चैनल की फेवरेट है, मैं अभी से मैंने देख लिया है फिनाले होगा ना, शमिता शेट्टी एक जगह एक जगह तेजस्विनी, सलमान भाई तेजस्विनी का हाथ उठाएंगे, ये एपिसोड याद रखना ठीक है, मैं भी यहाँ हूँ तुम लोग सब यहाँ पर हो। तुमने कभी भी यहाँ पर शमिता को जिताने का तुमने सोचा नहीं। यहाँ पर उमर को पूछते सलमान भाई कि उमर मैं गलत बोल रहा हूँ सही, उमर अपनी बात शुरू करने से पहले बोलते सलमान खान ए तेरी पूरी स्टोरी नहीं सुनना है मेरे को, सिर्फ यहाँ या ना मैं जवाब दे, समझ में आ गया। एज अ संचालक तू करण कुंद्रा एंड उमर रियाज तुमने मिर्ची का तड़का जो है सबके मुंह में डाला, हाँ तभी रिएक्शन दिया, वो काउंट नहीं हुआ, खांसा वो पानी पिया वो काउंट हुआ कि नहीं। करण कुंद्रा बोलता नहीं सर कुर्सी से उड़ जाते ना तो वो काउंट होता। प्रतीक सलमान भाई बोलते प्रतीक ने पानी पिया, पिया ना तो शमिता जीत गई। प्रतीक बोलता सर लेकिन मैं तो इमोशन का टास्क था, बेचारा डर के मारे बोल नहीं पाता है, क्या दहशत है सलमान भाई की। करण कुंद्रा मुंह बंद करके बैठा है, उमर रियाज मुंह बंद करके बैठा है, प्रतीक सहजपाल मुंह बंद करके बैठा है, प्रतीक सहजपाल बोल ही नहीं पा रहा था। शमिता कहती है सलमान भाई बोलते शमिता तुमने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया, शमिता बोलती नो आई डोंट वांट टू फाइट विद प्रतीक यू नो, मैंने अपना बेस्ट किया। तेजा हाथ उठाती है उसको फिर से बोलने को नहीं देते। करण कुंद्रा बोलते है कि तेजा सलमान बोलते करण कुंद्रा क्या तेजा ने तुमको शमिता को सपोर्ट करने से मना किया। करण कुंद्रा बोलते सर हाँ तेजा ने इतना खाली बोला कि मैं यहाँ प्रतीक के लिए खेल रही हूँ, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि शमिता को सपोर्ट मत कर, समझ में आया। सलमान खान कहते हैं कुंद्रा यू नो तेजू एंड शम्मू एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मतलब इतना उनका अच्छा नहीं है यहाँ पर, हाँ लेकिन तुमको पता है तुम शमिता शेट्टी को ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम इनडायरेक्टली इस टास्क में उसको सपोर्ट करना चाहते थे। तेजू एकदम शॉक्ड रहते कि ये क्या सुन लिया। हाँ सलमान खान कहते हैं उमर एंड राखी तुमने करण को बोला ना जाकर कि प्रतीक पे ज्यादा अत्याचार हुआ है, प्रतीक पे ज्यादा अत्याचार हुआ है। हाँ पॉइंट ये है कि राखी सावंत कार्य रद्द भी करती है तो अपने दोस्तों का सपोर्ट लेती है, लेकिन तुम करण कुंद्रा अपने दोस्तों का कब सपोर्ट लोगे, कब साथ लोगे। शमिता तुम्हारी दोस्त है तुमको उसका साथ लेना था, वो जीत जाती है टास्क, तुमने उसका साथ क्यों नहीं लिया, तुमने रद्द करा दिया टास्क। इन शॉर्ट यहाँ पर करण कुंद्रा की स्कूलिंग हो रही है कि उसको यहाँ पर शमिता शेट्टी का साथ देना था और उसने यहाँ पर ये किया।
अरे तो प्राकी साउंड भी थी वहां पर, उमर रियाज भी तो था ना वहां पर, वो लोग करण कुंद्रा की बात क्यों माने यहाँ पर। हाँ समागम कहते हैं यहाँ पे प्रतीक एंड शम्मो में से किसको जीता हुआ करण कुंद्रा। करण कुंद्रा बोलते हैं नहीं सर, माइंड में तो सेलेक्ट कर दिया, सोच लिया था कि अगर कोई नहीं होता टास्क रद्द हो जाएगा। हाँ समागम कहते हैं तुमको यहाँ पर कोई कॉल नहीं लेना था एंड तुमको यहाँ पर शमिता को नहीं जिताना था, ये सीधी बात है। प्रतीक एक बात पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना, तुमको देवलीना का सॉफ्ट कॉर्नर है? हाँ तुमने जाके निशांत को बोला देवो को जिताने के लिए? हाँ या ना? प्रतीक बोलता हाँ। उमर तुमको यहाँ पर मोमो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? तुमने कुंद्रा को जाके बोला कि मोमो को सपोर्ट करना? हाँ। लेकिन कुंद्रा तूने यहाँ पर तेजा को जिताने की बात क्यों नहीं की? तू चाहता है कि तेजा यहाँ पर विदाउट एनी बायस जीते, क्यों? तेरे पास चांस था शमिता को जिताने के लिए। क्या मतलब, क्या आर्ग्यूमेंट था आज के शो का, करण कुंद्रा की मतलब पूरा मजे लेने के लिए शो बनाया था। वो देखे तुमने भेजा फ्राई, उसमें वो आता है पाठक भेजा फ्राई। हाँ करण कुंद्रा की और बजी देखो सुनो, हमारे कहते हैं यहाँ पर क्यों नहीं जीता है तुम लोग उसको? नो 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 करण, तुमको डिसीजन लेना चाहिए था। हाँ तुमने बिच्चू के लिए जाके बोला ना तेजू के लिए खेलने के लिए, उमर को भी बोला, कहना क्या चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कहना क्या चाहते हो यार, क्या चल रहा था यहाँ पर? हाँ एंड उसने कहा उमर सेठ क्यों तेजा को नहीं जाना चाहता है। इन शॉर्ट कुंद्रा तुमने स्टैंड नहीं लिया, तेजा के लिए नहीं स्टैंड लिया, निशान के लिए नहीं स्टैंड लिया, शमिता के लिए भी स्टैंड नहीं लिया। हाँ प्रॉब्लम ये है कि करण कुंद्रा कभी स्टैंड लेगा नहीं। टॉपिक ये है कि ये फिनाले टास्क था, ये नॉर्मल टास्क नहीं था। समाधान कहते हैं आपकी जरूरत थी करण कुंद्रा, इनको आपकी वैल्यू बढ़ जाती है अगर आप इनको सपोर्ट करते। कभी जिंदगी में निशान शमिता ने तुमसे कुछ मांगा है? नहीं। लेकिन उमर सामने से आके हेल्प मांगता है कि मोमो की मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन कभी उमर रियाज तुम्हारे दोस्त के लिए खड़ा रहा है? हाँ लेकिन फिर भी तुम उमर के साथ हो। मेरा पॉइंट ये है करण कुंद्रा, अगर तू इतनी मेहनत जितना तूने उमर पे किया है, उतनी मेहनत तू अगर शमिता निशान शमिता पे करता तो आज तुम अच्छे इंसान कहलाए जाते। समझ में आ गया? तो ये आज के एपिसोड का पूरा अर्थ था, एक घंटा इसमें गया। फिर आए सलमान भाई उमर रियाज पे। हाँ सलमान हम कहते उमर अगर तू एक्सपेक्ट करता है करण कुंद्रा मोमो के लिए खेले, हाँ एंड तू फिर तेजू के लिए क्यों नहीं खेलता है? क्यों तू चाहता है कि करण कुंद्रा तेरे पास आकर हाथ जोड़ के बोले कि तेजू के लिए खेल? उमर कहता है तेजू की स्टार्टिंग में बातचीत होती थी हमारे साथ, लेकिन तेजू खुद देवरीना के पास चली गई, वो खुद मोमो के अगेंस्ट हो गई, तो मैं क्यों उसके से खेलूं यहाँ पर? हमारा कहते हैं लेकिन तूने तो कभी जिंदगी में तेजू को सपोर्ट नहीं किया है। हाँ हमारा कहते हैं उमर एंड करण तुम दोनों गलत हो, उमर कभी जिंदगी में तेजू को पसंद नहीं करता था। निशान कहते हैं हाँ जब वीआईपी रूम का सिलेक्शन भी होना था ना तो उमर को तेजू नहीं चाहिए थे, लेकिन वो कुंद्रा का दोस्त था ना तो वो चले। खाना बोलते हैं हाँ उमर तुमको तेजू कभी पहले से पसंद नहीं थी, तो ये उमर का पर्सनल चॉइस है, उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। उमर रियाज को क्या जबरदस्ती है क्या, उसको कोई पसंद आना चाहिए यहाँ पर? उमर रियाज तो क्या जवाब, उमर डर डर के जवाब दे रहा है यहाँ पर। हाँ तेजू रो रही है सर मैं यहाँ पे तिरुपति लेने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ समझ गए तेजो यू आर स्ट्रांग डोंट क्राई यू स्टिल हैव बॉयफ्रेंड, लेकिन ये करण कुंद्रा ने स्टैंड नहीं लिया। समाधान बोलते उमर तुम्हारे लिए तेजा प्रायोरिटी नहीं है। हाँ एंड यू डोंट लाइक हर। उमर के पास इतना गट्स था, उमर क्या बोला समझ को पता है? भाई मुझे नहीं पसंद है तेजू, मुझे नहीं पसंद, सिंपल बात है। उमर ने सीधा बोल दिया समान भाई को। हाँ एंड कुंद्रा तू यहाँ पे क्या बोलता है उमर को जाकर कि तेजू से माफी मांगो जाकर? हाँ तूने कभी उमर को बोला ये मेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ बी अ फकिंग मैन। वो सलमान खान ने कुछ गाली दिया सुनाई नहीं दे बीप पे तेजू। यही 2 महीने पहले इनका रिलेशनशिप मेकर्स को फेक लग रहा था एंड आज इनकी स्कूलिंग हो रही है कि एक दूसरे का साइड लो तुम लोग। आई मीन पूरी दुनिया को पता है इस तेजरन इज नॉनसेंसिकल मैन। करण कुंद्रा खुद उसको परेशान हो चुके हैं उस बंदी से। हाँ वो बंदी इतनी बड़ी फेक है वो। हाँ इससे तो बाहर वो तेजरन को फेकरन का नाम दिया गया यहाँ पर। सीरियसली आई मीन इस शो को आगे बढ़ाने का क्या मकसद था, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ उमर को बोला है समागर फुल चिल्ला रहे बी अ फकिंग मैन, अगर बाहर मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा बोलता था मैं उसको छोड़ता नहीं था। तूने क्यों ने सोचा? तेजू फुल टिशू इशू लेकर रोना शुरू हो गई है यहाँ पर।
ये हो जाता है। मंगल कहते हैं करण कुंद्रा तेरे दिमाग में बातें आती नहीं, तेरे सामने सब चीजें रखी हुई है। मंगल कहते हैं करण कुंद्रा क्योंकि उम्र के साथ तूने रिलेशनशिप बनाया इसलिए तूने बाकी लोग के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाया। तो अकॉर्डिंग टू सलमान भाई एंड द मेकर्स एंड द क्रिएटिव्स, करण कुंद्रा उम्र का दोस्त है इसलिए उसने निशांत, प्रतीक, शम्भू, तेजू इनके साथ दोस्त नहीं बना पाया। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। कोई मुद्दा नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा था आज के एपिसोड में, ठीक है। सलमान खान ने बहुत अच्छे अच्छे बिचुकले की बैंड बजाई, निया शर्मा का अच्छा डांस किया, बीच में काफी अच्छी कॉमेडी की। ऑल सडन डन दिस शो हैज नथिंग लेफ्ट गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड कल के एपिसोड के बाद आई डोंट थिंक मेनी व्यूअर्स विल वॉच दिस शो ऑल्सो, एंड बहुत ज्यादा बैकलैश मिलने वाला है कल के एपिसोड के बाद। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी ओपन में आए हैं क्योंकि गाइस जो हुआ है अनफॉर्चुनेटली, देखो अगर ये बोल के जाता ना कि उमर रियाज तुमने यहाँ पर हिंसा की है, तुमने यहाँ पे मारा प्रतीक को, वो एक टाइम पर सही लगता था। लेकिन ये बोलना कि जनता ने तुम उमर रियाज को आउट किया है, ये बात हजम नहीं हो रही कहीं पर, क्योंकि जनता ने भर भर के वोट दिया है, ट्रेंडिंग लिस्ट हो या फिर जो भी हो सब वो किया है। लेट्स सी गाइस कल जनता क्या रिएक्शन आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। साइनिंग ऑफ यू वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल।